और कुछ मैं बोल नहीं पाऊंगा। हाँ। आज भैया बुद्धि भी है और खुद कट करने बनेंगे शॉर्ट। क्या क्या बोलेंगे तो ये चाय नहीं बेच पाएंगे, किनके खिलाफ जेल जाना पड़ेगा। नरोत्तम मिश्रा में दमन किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, ईडी की अगर जांच होती है तो नरोत्तम मिश्रा क्या होनी चाहिए। गृह मंत्री जी जनता से बड़े हो गए हैं। अभी उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं नरोत्तम मिश्रा जहाँ खड़ा हो जाता हूँ तो सभाएं हो जाती हैं, मैं जब निकल जाता हूँ तो जुलूस लग जाते हैं। और तो यही तो हमारे नेता की कारीगरी है और इतना प्यार है। अरे आदमी तो ऐसे होना चाहिए, हमारे नेता ले। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के बारे में लोग बोल रहे हैं बड़ा विकास किया यहाँ। अरे विकास नहीं किया, दतिया का विलास किया है। बहरहाल बहुत सारी बातें हो गई। अब देखिए क्या है कि मैं आता हूँ ऐसे चौक पर कहीं चाय की दुकान पर, अब उसमें कोई पॉलिटिकल भी आ जाता है, कोई कार्यकर्ता भी आता है, कोई स्थानीय आ जाता है, बाद में पता चलता है ये हर तरह के लोगों से बात। क्या हुआ घोटाला? माननीय गृह मंत्री जी ने रोजगार के नाम पे पिस्टलें बांटी हैं, राइफलें बांटी हैं। यहाँ 5-5 मर्डर एक ही दिन में हो जाता। स्टॉल का लाइसेंस यहाँ बहुत बांटा गया है, सुरक्षा दी गई है हर व्यक्ति को कि हर आदमी अपना लेके चले। नहीं बिल्कुल नहीं, कोई लेके नहीं चल रहा है, कोई लेके नहीं चल रहा है, सुरक्षित है, नहीं सब सुरक्षित। बंदूक है मेरे के लाइसेंस होगा, जिन्हें झड़प दे दो तुम्हें मुंह दे। मिश्रा की तानाशाही, इससे जनता बहुत परेशान है। नरोत्तम मिश्रा दतिया से 25,000 वोटों से ज्यादा हारेंगे। सुनिए मेरी बात सुननी पड़ेगी, जो जनता की आवाज है वो सुननी पड़ेगी, आप क्यों नहीं सुनेंगे? आप लोग अब डिस्टर्ब करोगे मैं चला जाऊंगा फिर। मैं रोजगार पे भी एक मिनट, रोजगार कोई नहीं है यहाँ, एक मिनट रुको। विकास का पहिया घूम रहा है जादू मंत्र की तरह विकास का पहिया घूम रहा है, कहीं इधर कहीं उधर, कोई कबूतर पैदा हो जाता है, कहीं मुर्गी पैदा हो जाती है विकास की तरह। कहना चाहता हूँ जनता दादा को जिताने का मन मना चुकी है, न किसी के दतिया जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं जिस पर 2 पर बीजेपी है, 1 पर कांग्रेस है। और ये दतिया जो लोकल विधानसभा जिसका जिक्र हम लोग, नरोत्तम मिश्रा की सीट है। और ये दुकान है अन्नू टी शॉप, और यहाँ से 100 मीटर ही है ना पीताम्बरा माई का। बात नहीं करन दी आपने अस्पताल किन को, आप ही लोगों से तो बात एक बार एक सवाल है। मैं एक और कहना चाहता हूँ, एक मिनट। अस्पतालों में जब प्रेग्नेंट माँ बच्ची होती थी, हमारे बच्चे होते थे शिशु छोटे, तो यहाँ जानवर आ जाते थे पलंगों के पास। आज हमारी अस्पताल जाके देखो, आप सर्वे करिए, आप हमारी आज मेडिकल कॉलेज देखो, डॉक्टरों की टीम देखो, आप यहाँ से कोई रेफर नहीं होता है। पहले रेफरल हुआ करता था दतिया, आज दतिया में बाहर से लोग आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, उत्तर प्रदेश से लोग, क्योंकि हमारे विकास पुरुष माननीय बॉस दादा समझ गया। हालांकि देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो सब लोग यहाँ अचानक मिले, ये राजनीतिक व्यापारी जी हैं, इसलिए मैंने इनका थोड़ा मजे लिए। नाराज तो नहीं? अरे बड़े भाई हो आप। चलिए बहरहाल यहाँ अमन चैन है, सबसे प्यार से। एक चीज और बता दो, माई का इतना बड़ा माँ पीताम्बरा का जो उत्सव कराया, पूरे देश में लोग, देश के लोग यहाँ आए, इतना बड़ा उत्सव माँ नरोत्तम मिश्रा के ने माई ने उन पर कृपा की, उनने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया, बहुत बड़ा रथ यात्रा जो प्रारंभ की है, जो माननीय नरोत्तम मिश्रा की तर्ज पे माई लोग बनने जा रहा है दतिया में। सबों की नगरी है साहब, और बड़े प्यारे दतिया है, विकास चाहिए यहां के लोग, गंद लोग यहां गंदगी फैला रहे हैं। अब आप मंच पे एकदम कब्जा करना चाह रहे हो माइक पे, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। युवाओं के लिए रोजगार कहाँ है दतिया में? अस्पताल खुल गए, कॉलेज खुल गए, बैरे थोड़ी है, आवाज सुन सका था चिल्लिया नहीं कान पे, लड़ने हो तो वैसे ही खाओ, तैयार है चाँजा से हो जाए कबड्डी। अल्लाह मत करो। लेकिन ये रोजगार कोई नहीं है यहाँ, एक मिनट रुको। विकास का पहिया घूम रहा है जादू मंत्र की तरह विकास का पहिया घूम रहा है, कहीं इधर कहीं उधर, कोई कबूतर पैदा हो जाता है, कहीं
मुर्गी पैदा हो जाती है विकास की तरह। अच्छा एक बात बताओ, एक सेकंड कहीं कुछ नहीं है इधर। एक बात इन्होंने कही, एक सेकंड रुको। वो ठीक है पीताम्बरा माई का कोई उत्सव हो गया, पुरानी है अभी थोड़ी बसी पीताम्बरा माई, पीताम्बरा माई अभी नहीं बसी हुई है। एक मिनट, जब लोग हम लोगों के दादा माँ बाप पैदा नहीं हुए थे तब की स्थापना है, कोई नई 37 का है, कोई नई वो नहीं है, इमारत लिखी हुई है इसमें, कोई नई नहीं है इमारत। सुनो एक मिनट, अब आप लोग शांत रहोगे तब बात करेंगे। जैसे अभी इन्होंने रोजगार का सवाल उठाया, थोड़ा थोड़ा अलग हट जाओ और एक मिनट रुक जाओ पहले, और इन्होंने रोजगार का सवाल उठाया, रोजगार नहीं है, थोड़ा पीछे रहो आप भी, थोड़ा पीछे रहो, तो थोड़ा पीछे इनको भी पीछे ले जाओ, करण को भी थोड़ा इस पे, एक मिनट रुको, हाँ थोड़ा हाँ रोड है, आ जाओ इधर, थोड़ा आ जाओ। अब उसके बाद जैसे आपने कहा कि रोजगार ये है अन्नू टी शॉप, भाई टी शॉप ऐसे 2014 के पहले भी, नरोत्तम जी के विधायक बनने के पहले भी दशकों से हैं, तो टी शॉप को भी आप मान रहे हो कि नरोत्तम जी और बीजेपी की वजह से है। आप पहले 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 जवाब दो मुझे, चाय की दुकान उन्होंने खुलवाई उसके पहले चाय नहीं मिलती थी? ठीक है सर, आप चाय चाय मिलती थी लेकिन 10 कप 50 कप बिकती थी, लेकिन आज कितने कप बिकती है ये भी तो आप पता करो। दतिया में जो लोग आ रहे हैं यहाँ से देखिए आप ठेले पड़े थे, एक ठेला लगता था, आज कितने ठेले लग रहे हैं, बड़ी हर जगह चाय की दुकान बहुत। नहीं सर, ये तो मोदी जी के पकौड़े वाली बात कर रहे हैं, समोसे की दुकान अर्निंग कितनी बढ़ गई है दतिया में, इस चीज को भी तो देखिए आप। इन्होंने रोजगार की बात की आपसे पूछ, रोजगार सर आप इनको देखिए सुबह कितने बजे उठते हुए रोजगार कैसे रोजगार मिलता है, हम कलाई बेच रहे हैं, कहाँ है रोजगार, अपने अपने पैसा लगा रहे हैं, प्रॉफिट एक मिनट, अपने पैसा लगा रहे हैं, बातें कर रहा है रोजगार, रोजगार कहीं नहीं है। एक मिनट रुको, आप अगर जैसे इन्होंने रोजगार की बात की, आपने खटाक से कहा चाय की दुकान है, ये आ जाओ लड़का सामने, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? एमकॉम। तो एमकॉम कर रहे हो, मोदी जी भी पहले कह चुके हैं पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, तो आप पकौड़ा बेचने का काम जैसे वो चाय समोसे पकौड़े हैं एमकॉम करने के बाद पकौड़ा बेचने का काम है? ये स्वेच्छा है किसी, अगर इनको मैं बता रहा हूँ, एमकॉम करने वाला लड़का पकौड़े बेचने के लिए या ठेला लगाएगा या चाहता है नौकरी और रोजगार? नौकरी और, पहले इनको जवाब देने दो, नौकरी और रोजगार ही करेगा वो, अगर उसको करना होगा तो करेगा, जिसको जिसके पास बहाने होते हैं। अब ये कहना मैं कलई बेची, अब इनको बेचनी कलई थी, बात कर रहे हैं अब इनको बताइए, कलेक्टर बनने चाहिए रुस्वत, 50-50 करोड़ रुपयों की रुस्वत, रुस्वत चाहिए, टिकट पक्का करवाइए। थोड़ा थोड़ा पीछे, अच्छा सुनो आप लोग, अब डिस्टर्ब करोगे मैं चला जाऊंगा फिर। मैं रोजगार पे भी, एक मिनट रुको भाई, रोजगार पे बात कर रहा हूँ, नौकरियों पे बात का है, नेता है, नेता से बात ही नहीं करूँगा, आप जनता से बात कर रहा हूँ, आप नेता हो कांग्रेस, कांग्रेस के नेता हो, भाजपा के लोगों के बीच का, मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ, नौकरी अगर नरोत्तम जी का ही 15 साल देखें तो आप एक बता सकते हो अंदाजा कि 15 साल में दतिया इलाके में क्या ऐसा काम हुआ, औद्योगिकरण हुआ या ऐसा कुछ हुआ जिससे 5-10 हजार युवाओं को नौकरियां मिली, रोजगार मिले? ठेले बढ़ गए, समोसे के, पकौड़ों के ठेले बढ़ गए, चाय के बढ़ गए, पोहे के बढ़ गए, पढ़े सब पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़े घर की जिम्मेदारियां होती है, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो उसको तो करना पड़ेगा, मजबूरी है, कितनी नौकरी निकल रही है, भाई का इलेक्शन हुआ उसका तो किसी भी चीज का विरोध होता है तो उसकी जांच तो सबसे पहले शांत करने के लिए कि जांच चल रही है, जांच चल रही है, आप लोग शांति बनाए रखें, बस वो शांति बनी रखिए और जांच हमेशा चली ही रही है। तो क्या चाहिए, दंगा चाहिए जांच के बदले में? दंगे कहाँ हुए बताओ? नहीं मैं तो आप कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं दंगे पर, तो आप आए, हम तो रोजगार की बात कर रहे हैं, दंगा चाहिए आपको, दंगे की बात, कांग्रेस की सरकार आने के बाद दंगा चाहिए आपको? मैं तो ये बोल रहा हूँ, एक पढ़ा लिखा, एक पढ़ा लिखा कह रहे हैं वो चले गए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति क्या कर रहे हैं आप?
पहले बताइए आप। मैं दिनेश शर्मा सरपंच हूँ ललुआ पंचायत से। यहाँ गृह मंत्री पार्टी से जुड़े जी? मैं बिल्कुल नहीं जुड़ा हूँ। बताइए फिर। यहाँ माननीय गृह मंत्री जी ने रोजगार के नाम पे पिस्टलें बांटी हैं, राइफलें बांटी हैं। यहाँ पांच पांच मर्डर एक ही दिन में हो जाते हैं। इधर घूम के बात पांच मर्डर यहाँ हुए एक ही दिन में पांच पांच मर्डर यहाँ हुए। अगर आप विकास की बात करोगे जहाँ आप खड़े हो, यहाँ 90 लाख से एक बारादरी बनी जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, छोटी सी टक्कर में धराशायी हो गई, डर के मारे दूसरी तोड़ना पड़ी। इस प्रकार से यहाँ जो है दतिया को दतियावासी से लड़ाया जा रहा है। लेकिन ये लोग कह रहे बहुत विकास हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ, स्कूल कॉलेज खुले। अगर शिक्षा के क्षेत्र में ये काम हुआ है, अभी प्रकाशित हुआ है जो प्राचार्य के पद के लिए उपयुक्त नहीं थे, शासन के नियमानुसार उन्हें प्राचार्य नहीं बनना चाहिए था, ऐसे सभी आयोगों को प्राचार्य बना दिया। यहाँ केवल एक स्टेडियम है जो यहाँ प्रतिभाएं निखरती हैं, एक स्टेडियम है। वहाँ आप जाके देखो, यहाँ क्रिकेटरों ने, बच्चों ने और जो भी यंग जो दौड़ भाग कर रहे हैं अपने प्रगति के लिए, उन्होंने लिख के कलेक्टर साहब को दिया कि साहब अगर आप स्टेडियम नहीं सुधरवाते हो, वो पोखर बन गया है, तो हम लोग अपने चंदा इकट्ठा करके करवाएंगे। वो ऑन रिकॉर्ड है। वैसे एक बात बताऊं, ये भाजपा के समर्थक हैं, ये कहा सरपंच है आप? हम सब दतिया के हैं, वो सब भी दतिया के हैं। ये भेके मार, ये केवल उस भय के कारण ये लोग कह रहे हैं। ये हमारे सब भाई, ये सब हमारे भाई बंधु है। कोई बहन नहीं है, राम राज्य। आदरणीय पत्रकार महोदय, एक मिनट रुको, आप दोनों लोग, सब लोग रुको, थोड़ा पीछे रहे। अब एक बात जो इन्होंने कहा, एक मिनट, आप कहाँ पीछे ठेल गए, थोड़ा पीछे, एक मिनट, पहले पीछे आइए, चूंकि आप लोग पीछे, एक मिनट रुको। अब एक बात मैं भी कहूँगा भाई साहब, एक मिनट, कि मैं भी रात में गया किसी की स्कूटी एक्टिवा पर सवार होकर स्टेडियम देखने, और बहुत बड़ा कैंपस है, स्टेडियम का इतना बुरा हाल है, कोई ट्रैकिंग के लिए कोई भी वहाँ जगह नहीं है, गड्ढे हैं पूरा, और एकदम लगता है इससे घटिया स्टेडियम कहीं हो नहीं सकता। मैंने बहुत जगह स्टेडियम देखे, छोटी छोटी जगहों पर। तो भाई जहाँ के नरोत्तम मिश्रा हैं, 15 साल के विधायक हैं, 15 साल से मंत्री हैं, और अभी तो मुख्यमंत्री के बाद सबसे कद्दावर मंत्री हैं, और वहाँ स्टेडियम का इतना बुरा हाल क्यों है? श्रीमान जी एक मिनट रुकिए, मैं दूसरे किसी से बात करूंगा, आप चूंकि राजनीतिक व्यापारी नेता हैं। बताइए सर, स्टेडियम का इतना बुरा हाल क्यों है? भाई साहब मैं भी एक स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूं, और मैं कराटे कोच हूं, नेशनल लेवल का कराटे कोच हूं। स्टेडियम की ये हालत बरसात से हुई है। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे राष्ट्रीय लेवल की चैंपियनशिप होती है, और जिसके लिए जब आप स्टेडियम जो इतना बुरा हाल है, खंडहर की तरह स्टेडियम है, एक मिनट रुको, उसका निर्माण चल रहा है। दूसरी चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पर राष्ट्रीय लेवल की चैंपियनशिप होती है, और 2 दिन में इस तरीके का स्टेडियम डेवलप हो जाता है। जब भी कोई भी चैंपियनशिप होती है, 2 दिन में इतना बेहतरीन स्टेडियम हो जाता है कि अपने पूरे मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। क्या राष्ट्रीय लेवल की चैंपियनशिप होती है? हाँ बताइए, ट्रैकिंग पाथ है बना हुआ? कोई ट्रैकिंग पाथ है ना, ट्रैकिंग पाथ बन जाता है, यहाँ चैंपियनशिप होती है भाई साहब। अभी आपने देखा है वहाँ पे, सब लोग हाथ जोड़ता हूँ, अभी आपने स्टेडियम जाके देखा है। अभी आप स्टेडियम किसी चैंपियनशिप में या किसी तरीके से कोई भी प्रोग्राम अगर वहाँ पे होता है, फिर आप देखना, तो आप ये कहोगे कि इससे अच्छा स्टेडियम। जब कोई उत्सव होता है तो रंग रोगन कर देते हैं, बाकी सब खटारा नहीं किया जाता है। यहाँ पे कंटिन्यू हर महीने
महीने हर महीने किसी न किसी कोई ना कोई नेशनल या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं चलती रहती है। अब आप क्या नेशनल लेवल पर भैया ने बताया चलती रहती भाई, हम तो आपने भाई ये छोटा नेशनल लेवल पर यहाँ माननीय मंत्री जी के रहते स्विट्जरलैंड की महिला के साथ बलात्कार होता है इंटरनेशनल नाम पे, इंटरनेशनल तरीके पे दतिया की बदनामी होती है। अच्छा रुको एक मिनट, हाँ। जी आप अपना क्वेश्चन की क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन सिंह है, मैं बहुत आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप रात से आपको ही सर्च कर रहा था, वो मैं देख रहा था, वो प्रतिदिन देखता हूँ मैं आपको। आपने कल जी क्या करते हो? मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ पहले तो मैं बेरोजगार हूँ, फिर मुझे जनता है। मेरी उम्र अभी 23 वर्ष है, 18 जब प्रधानमंत्री ये 18 हाथ जोड़ के आप लोगों से आराम से बात की ना, अभी देखिए 18 वर्ष जब मैंने 2018 में पूर्ण की तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे और शिवराज सिंह जी चौहान इस देश के मुखिया थे, जब मुझे प्रदेश के मुखिया थे मुख्यमंत्री थे जब मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मैंने जब 12 पास करके मैं रोजगार की ओर गया, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी थी, चारों ओर भ्रष्टाचार मचा था, सोचा मैं जब मैं कॉलेज में गया मैंने देखा चारों ओर भ्रष्टाचारी है, रोजगार के नाम पर ठगा जा रहा है, जब मैं युवा हुआ तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं जाके राजनीतिक क्षेत्र में आकर जो मुझ जैसे लाखों बेरोजगार हर साल हो रहे हैं उनकी आवाज आप लोगों के माध्यम से उठाऊंगा। अरे तो आप यहाँ मंच समझ के भाषण दे रहे हो, देखिए मुद्दा मुद्दे तो बहुत है, दतिया में सट्टा कट्टा की राजनीति हुई, जुआ हुआ है, आज आप देख लीजिए दतिया में पिस्टल बांटी गई है, मतलब राशन के तरह से राशन के नाम पर पिस्टल बांटी गई है, एक घर में अगर दो भाई है तो दोनों के नाम दोनों के नाम, नतीजा आप रहना देख लीजिए, यहाँ देखिए उनके हाथों में कलम थमाने की जगह पिस्टल थमाई जा रही है, रोजगार के नाम पर एक भी रोजगार का प्लान मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का खोल के समर्थन करूंगा, एक भी रोजगार का साधन या प्लांट या कोई भी इंडस्ट्री दतिया जिला में लगी हो एक बता दे, एक जो भी डालडा मिल हुआ करता था जिससे हमारे दतिया को रोजगार मिलता था वो भी आकर चौपट हो गया है और बंदरवाट करके गृह मंत्री जी के लोगों ने या सब लोगों ने उसकी जमीनें खा ली है, हो गया राजनीतिक है। दतिया में सभी बच्चे पॉलिटिकल है, सब पॉलिटिकल है, चाहे बच्चा बूढ़ा सब जवान सब पॉलिटिकल है, तो बता ही रहे राजनीतिक व्यापारी हैं ये, बिल्कुल जी बोलिए आप राजनीतिक व्यापारी है ना, दतिया में जो बाद में मुझे कोई वीडियो में ना कहे कि आप राजनीतिक व्यापारी क्यों कर रहे हैं, बोल रहे हैं दतिया में जो भी विकास हुआ है बेशक हुआ है, दतिया की सकल बदली है लेकिन बिल्डिंगें खड़ी कर देने से विकास नहीं होता, विकास होगा बच्चों को रोजगार मिले, बच्चों को सही दिशा मिले है ना, तो बिल्डिंगें खड़ी कर देने से होगा, मेडिकल कॉलेज बना दतिया की बहुत बड़ी उपलब्धि है, मुझे गर्व है इस बात का, लेकिन मेडिकल इलाज में मेडिकल कॉलेज के स्तर का इलाज कर्मचारी डबरा के इनको बोल ले दीजिए प्लीज, दतिया में उस स्तर का इलाज उपलब्ध नहीं है जिस स्तर का मेडिकल कॉलेज जहां होता है वहां मिलता है, लेकिन लोग कह रहे हैं विकास काफी हुआ है नरोत्तम जी के राज में, नहीं बेशक हुआ है, हाँ अगर वो मंत्री मिले हैं, कमी क्या रह गई है, है? कमी क्या रह गई है, मतलब दमन मैं नहीं बोलूंगा, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि विकास बिल्डिंगें खड़ी कर देने से नहीं होता है, उसमें प्रॉपर स्तरीय जो इलाज मिलना चाहिए वो दतिया को नहीं मिलता है, दतिया में स्टेडियम बहुत बढ़िया बना हुआ है, स्टेडियम तो खटारा है, मैं रात में देख के आया हूँ देखा, लेकिन उसका जो उपयोग होता है प्रतियोगिताओं में होता है तो ठीक है उसमें रोगन हो जाता होगा, लेकिन बहुत ही गंदा राजनीतिक कार्यक्रम वहाँ किए जाते हैं,
पिच जो बनी हुई है बहुत अच्छी पिच बनी है। बहरहाल बहुत सारी बातें हो गई। अब देखिए क्या है कि मैं आता हूँ ऐसे चौक पर कहीं चाय की दुकान पर, अब उसमें कोई पॉलिटिकल भी आ जाता है, कोई कार्यकर्ता भी आता है, कोई स्थानीय आ जाता है, बाद में पता चलता है ये हर तरह के लोगों से बात हुई। चले पीछे पीछे हटिए, एक मिनट एक बात बताओ, एक मिनट पीछे थोड़ा जगह तो दो भाई साहब, जगह तो दो, इतनी देर से एक मिनट रुको ये बताओ कि एक भाई, एक मिनट आप लोग शांत रहो। यहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं पिस्तौल का, हाँ पिस्तौल का लाइसेंस यहाँ बहुत बांटा गया है, सुरक्षा दी गई है हर व्यक्ति को कि हर आदमी अपना लेके चल, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई लेके नहीं चल रहा है, कोई लेके नहीं चल रहा है, सुरक्षित है इसका बोले, नहीं सब सुरक्षित है, सबको हक है अपने हथियार, इनके पास नहीं है क्या? एक मिनट एक मिनट, मेरे पास नहीं है, कैसे नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, राइफल लेके नहीं चल रहा है, आप लोग एक कदम नहीं, क्या आदमी जवाब दे रहे हैं, इनको बोलने दो ना, बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, बोलो अब जैसे आपने कहा कि सुरक्षा दी गई है इसलिए सबने सबको पिस्तौल का लाइसेंस बांट गया, बांट गए सैकड़ों लोगों को लाइसेंस, बता हजारों को मिला क्या? खुद मांगा है, खुद आवेदन दिया है, मुझे पता है, मुझे पता है, अप्लाई करने के बाद ही मिलता नहीं है, अरे लाइसेंस मिलना, रुको इतना मैं दूसरी बोतल थोड़ी पीता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि भाई लाइसेंस आप इतनी सदाशयता से आपने दी और सैकड़ों लोगों ने पिस्तौल लिया, आपने कहा सुरक्षा की वजह से, तो भाई सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, गृह मंत्री खुद नरोत्तम मिश्रा, एक मिनट रुकिए, तो जहां पुलिस और सिस्टम है वहां हर आदमी को रिवॉल्वर खरीदने की और रिवॉल्वर का लाइसेंस ऐसे धरले से बांटने की, हर आदमी के पास कहां है? नहीं मतलब आपने कहा ना सुरक्षा के लिए, तो क्या यहाँ इतने लोग असुरक्षित हैं? 15 साल से नरोत्तम मिश्रा विधायक, 18 साल से बीजेपी की सरकार, इतने सुरक्षित है कि सबको रिवॉल्वर लेना पड़ रहा है? सबके पास नहीं है, व्यापारी जिसको जरूरत थी, जो बाहर उसको अगवा किया जाने का डर करने बाहर, बंदूक है लाइसेंस होगा, जिन्हें झड़प दे दो तुम्हें मुंह दे, हम बता रहा ना कि तुमको झड़प दे दो मुंह दे, उनको तो जरूरत है, बहुत आप लोग बोलने लगे, चलो मैं आप आया यहां से निकल, यहां सब अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, चलिए बाहर तो चलिए आ जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम तो पूछ लेते हैं, अरे सब मिला जुला के सबकी बात होनी चाहिए ना, चलो बहरहाल, तो ये अन्नू टी शॉप, यहाँ कितनी चाय पी हमने, पैसे दो पहले, बहुत अच्छी चाय, अच्छी है अन्नू जी आपकी चाय, मैंने पी बहुत अच्छी है, जाते जाते एक और पी के जाएंगे, एक कप चाय कितने की देते हो आप? अगर ये उनके खिलाफ बोलेंगे तो ये चाय नहीं बेच पाएंगे, किनके खिलाफ? जेल जाना पड़ेगा, नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ, नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ अगर कोई भी दतिया में बोलेगा तो हमारे बंद हो जाएंगे, हम कोई कांग्रेस के नेता नहीं है, हम समाज सेवी है, भाजपा में मेरी बात सुननी पड़ेगी, जो जनता की आवाज है वो सुननी पड़ेगी, आप क्यों नहीं सुनेंगे? मैं विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री रहा हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री रहा हूँ, दतिया में पीड़ित किया गया, दतिया में दमन किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, ईडी की अगर जांच होती है तो नरोत्तम मिश्रा क्या होनी चाहिए? भतीजे हैं इसलिए हमारा छोड़ो, आप तो इनसे पूछ लो माई की कसम खिला के, अगर ये कहेंगे कि नरोत्तम मिश्रा जी बुरी तरह हार रहे हैं, जो कि हार रहे हैं, और इनसे माई की कसम खा के पूछवा लो, ये कह नहीं पाएंगे। अच्छा एक मिनट, ये क्यों कहेंगे कि बुरी तरह हार रहे हैं, ये इनका काम नहीं, एक मिनट, किसी को नहीं पता है, ये अपनी राय किसी के पक्ष विपक्ष में दे सकते हैं, ये क्यों कहें बुरी तरह हार रहे हैं? उनके विरोध में देंगे, ये अगर राय उनके विरोध में देंगे तो जेल जाना पड़ेगा, पूछ लो। पहले आप बाहर आओ, ऐसे बाहर आओ, इधर अच्छा ये अरे देखिए सब आप ही, एक मिनट आप लोग, एक मिनट प्लीज, ये बताओ, एक मिनट आप लोग शांत हो जाओ, ये अन्नू टी शॉप है, बहुत चर्चित यहाँ का ठिया है, बगल में मंदिर है पीताम्बरा माई का, और यहाँ बहुत सारे लोग जुटते हैं, मैं भी आ गया, पहले 2-3 लोग थे, बहुत सारे लोग जुट गए, चाय बहुत अच्छी है, अन्नू जी ये बताओ, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, ये सब नहीं, आप ये बताओ
कि यहाँ इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, कौन ज्यादा भारी है? हमारे यहाँ चुनाव का ये है कि हम तो ये चीज मानते हैं, मेरी सोच जो है, कोई भी नेता देश से बड़ा नहीं होता, देश बड़ा है, राजनीति बहुत छोटी चीज है। और माई महाराज जी जब बड़ा कोई आनंद बढ़ता है, कोई भी नेता देश से बड़ा नहीं होता, नेता कोई भी देश से बड़ा नहीं होता, कभी नहीं होता। क्या होगा ना होगा, ये छोटे मोटे लोग आते हैं चले जाते हैं, कई लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन देश बड़ा है, माई महाराज जी जब बड़ा कुछ नहीं हुआ है। कुछ मैं बोल नहीं पाऊंगा, आप बुद्धिजीवी है, कट करने बनेंगे शॉर्ट। मेरी बात क्या, क्यों नहीं बोल पाओगे? नहीं नहीं बोलनी, मतलब ये है ना कि ये सब हमारे लोग हैं और हमारा कोई भी नेता देश बड़ा है, देश बड़ा है, नेता छोटा है बहुत, कभी भी नेता देश से बड़ा नहीं होगा। कहना क्या चाह रहे, खुल के बोलो। मतलब ये है कि हमारे कहने क्या है, माई जिसको मौका देती है ना वो आता है, कभी कोई काम करने वाला बड़ा है और काम करने वाला नरोत्तम मिश्रा को मौका दे, काम करने वाला भाई। आप बुद्धि भी हो, आप लाखों लोगों को चला रहे हो, आप भाव से नरोत्तम मिश्रा को मौका दे। मैं नाम ये किसी का नाम नहीं लेंगे, माई महाराज के आशीर्वाद के बिना नहीं, मैं पत्ता नहीं लेंगे, पत्ता नहीं लेंगे माई महाराज। अच्छा चलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप लोग डिस्टर्ब मत करो, ये बताओ काम किया कि नहीं 15 साल में यहाँ? देखो काम तो ये है, ये सब हमारे आदरणीय बुद्धि जी भी बैठे हैं, इनसे ज्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा, इनके पास पूरी लिस्टें हैं। अच्छा, इनको नहीं बता पाएंगे? मैं प्रतिष्ठान दुकान पे हूँ, आप समाज को समझिए, बोलना नहीं चाहते नहीं, बात करने वाली बात नहीं, आप बुद्धि भी हो, चलिए चलिए हो गया, समझ गए, कोई बात नहीं। देखिए ऐसे भी देखिए, ऐसे भी ये अगर चाय की दुकान चलाते हैं, इनको क्यों पॉलिटिकल बयान देना चाहिए? इनके दुकान पर बिल्कुल भाई, इनके यहाँ सारे दलों के लोग आते हैं, कोई भी आता है, इनको क्यों राजनीतिक बयान देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। गृह मंत्री जी जनता से बड़े हो गए हैं, अभी उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं नरोत्तम मिश्रा जहाँ खड़ा हो जाता हूँ तो सभाएं हो जाती हैं, मैं जब निकल जाता हूँ तो जुलूस लग जाते हैं। और तो यही तो हमारे नेता की कारीगरी है और इतना प्यार है, आदमी तो ऐसे होना चाहिए। हमारे नेता सभाएं जनता से बड़े हो गए। देखिए रावण का अहंकार था वो टूटा था, इस बार भी दतिया के रावण का अहंकार टूटेगा। देश सामने आ गए हैं, राम राम बनकर और नरोत्तम रूपी रावण का दहन होने वाला है इस बार। ये तो देखो, इस तरह की भाषा किसी भी नेता के लिए नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, नरोत्तम रूपी रावण ये नहीं बोल रहा, नरोत्तम रूपी नरोत्तम हारेंगे, किसी को मारेंगे। हाँ एक बार मैं अपनी बात कहता हूँ, नहीं नहीं पैसे वापस ले लेंगे, आपको ले लिया वापस, नहीं नहीं ये जब भाजपा में दे ये भयमुक्त दे, कांग्रेस में आते ही भय हो गए इनको। अच्छा हुआ ये एक मिनट रुको, ब्रजमोहन शर्मा जेल में गए भाजपा के नेता, जो सरदेन ब्रजमोहन शर्मा जेल में रहे, हम लोगों की दुकानें तोड़े गए जब लोग भाजपा में थे, हम लोगों के पे अत्याचार हुए, हम लोगों पे दमन हुए, एक एक करके भाई चुनाव में दारू बेचोगे पैसा बांटोगे तो जेल में नहीं जाओगे तो सिंहासन पे बैठा देगी जनता। और एक मिनट भाई के सामने, एक मिनट रुको, एक मिनट यार, अगर ये सब बांटना भी है, एक मिनट ये सब बांटना भी है तो नरोत्तम जी के खेमे में रखे बांटो। बिल्कुल नहीं, किसने बांटे बताइए भाई? बे हम लोगों ने कहा था, माई पे हम लोग कसम खा के कहते हैं कि अगर हम लोगों ने दारू बांटी हो और कट्टा अगर हमारी गाड़ी में, माई पे सौगंध खाते हैं, उनसे भी कहा था आप आ जाओ कसम खाने, नहीं आए।
नरोत्तम जी नहीं आए, सुगन मिश्रा नहीं आए, कसम खाने से राजनीति होती तो हमें देश को दतिया में, दतिया में भय का बहुत वातावरण है। नरोत्तम मिश्रा की तानाशाही, बोलने तो दो, नरोत्तम मिश्रा की तानाशाही, इससे जनता बहुत परेशान है। नरोत्तम मिश्रा दतिया से 25,000 वोटों से ज्यादा हारेंगे। हम कोई चाचा कोई भतीजे नहीं है, वोट किसी को नहीं देता है, कोई नहीं है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के बारे में लोग बोल रहे हैं बड़ा विकास किया यहाँ। अरे विकास नहीं किया, हमने दतिया का विनाश किया है, विनाश किया है, विकास हुआ है, अभी बाईपास चलो, बाईपास चलो, बाईपास चलो, विकास के विनाश किया है, पैदल निकल जाओ सड़कों पे, पैदल छोड़ी सड़कों पे, पैदल बहुत अच्छे आदमी, ये बहुत अच्छे आदमी है। कोई भी लेते सर, देश से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ। देश बड़ा हो काम करने वाले की पूजा। सही बात, चलो चलिए चलिए चलते हैं, चलिए चलिए चलते हैं। अब यहाँ थोड़ा दोनों पक्ष के दोनों पक्ष के पॉलिटिकल समर्थक लोग, कार्यकर्ता लोग आ गए इसमें। एक तरह से मैं तो आम जनता से ज्यादा बात करता हूँ, लेकिन अब उसी आम जनता में कोई कार्यकर्ता है, कोई किसी बीजेपी से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा है, अब इधर आ जाते हैं। तो चलिए अब नहीं नहीं अब आप खत्म भी करेंगे, अरे भाई खत्म भी करेंगे भाई, नहीं देखो नारेबाजी मतलब भाई आप। चलिए बहरहाल अब तस्वीर दिखाओ, देख लो सब भाई, आप सब लोग ये बीजेपी और सारी पार्टी मत अलग अलग है, सब परिवार है, पूरा दतिया एक परिवार है, विचार अलग है। और लेकिन एक कहना चाहता हूँ, जनता दादा को जिनाने का मन बना चुकी है, दादा न किसी के कांग्रेस का मतलब दादा से दादा का होता है, विकास आपको देख रहे हैं तो बाईपास रोड चलो, एक चलो चलो। अच्छा वैसे अरे क्या होता है लोकतंत्र में, दादा का मतलब क्या होता है? दादा रेस्पेक्ट से भी किसी को नहीं, दादा भाई डॉन, दादा डॉन भाई, भागो भागो भागो, इतना गुटका भाइयों ने खाया है कि मेरे इस पे गुटका गुटका है। कितनी भी स्वच्छता हो मक्की बैठेगी कहाँ? चलिए बहरहाल तो दतिया के इस पीतम्बरा माई मंदिर के पास चौराहे से बड़ा सुबह सुबह एकदम गर्मा गर्म बहस हो गई, दोनों तरफ के लोग जुट गए, बीजेपी समर्थक भी कांग्रेस समर्थक भी, हर पहलू पर बहस होने लगी। कोई कह रहा है कि ज़बरदस्त यहाँ विकास की गंगा बह रही है, कोई कह रहा है बेरोजगारी है, आप सुनिए समझिए अंदाज़ा लगाइए। लेकिन हाँ ये ज़रूर हुआ कि बहुत सारे लोग यहाँ अचानक, चूँकि पॉलिटिकल वर्कर्स भी इसमें होंगे तो इसलिए खुलकर बोले, ये एक जरूर है कि आम तौर पर भाई मेरे एकदम फ्रेम में घुसे पड़े हो एकदम, ये जरूर है कि ऐसे ऐसे अगर जाएंगे तो न्यूट्रल जगह पर ऐसे लोग जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब वो सीधे वोटर हैं, पॉलिटिकल वर्कर अगर नहीं है सीधे, तो बोलने से नरोत्तम मिश्रा के बारे में बचते हैं, ऑफ कैमरा में बात करते हैं, कैमरा ऑन होते ही कम बात करते हैं। ये तो नरोत्तम मिश्रा का यहाँ थोड़ा है, लाडले हैं, जनप्रिय हमारे दादा, जनप्रिय जनप्रिय नहीं है, डर डर प्रिय है, डर प्रिय डर प्रिय डर प्रिय है, डर प्रिय है, डर प्रिय है। अरे हम लोग नहीं, चलो भागो भाई खत्म भी करेंगे, चलिए ये डर प्रिय बोल रहे हैं, ये जनप्रिय बोल रहे हैं, चलिए बहरहाल खत्म करते हैं। नमस्कार दतिया के इस चौराहे से।